अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। दिस इज़ योर बायोलॉजी लेक्चर। द टॉपिक ऑफ आवर टुडेज लेक्चर इज एंटीबायोटिक्स। सो स्टूडेंट्स, एंटीबायोटिक्स ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए या उनकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एन एंटीबायोटिक इज़ अ ड्रग डैट किल्स और रिटार्ड्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। दे आर द केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाई और ड्राइव फ्राम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो बेसिकली एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल्स को बोलते हैं जो कि हासिल किए जाते हैं फ्राम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि बैक्टीरिया हैं एंड फंजाई है। एंटीबायोटिक्स दो किस्म की हो सकती हैं, बैक्टेरियसाइडल एंड बैक्टेरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आर यूज टू ट्रीट मैनी डिफरेंट बैक्टेरियल इन्फेक्शन। सम एंटीबायोटिक्स आर बैक्टेरियसाइडल, मीनिंग डैट दे किल बैक्टेरिया। जो एंटीबायोटिक बैक्टेरिया को किल करती हैं उन्हें बैक्टेरियसाइडल बोलते हैं। अदर आर बैक्टेरियोस्टेटिक, मीनिंग डैट दे वर्क बाय स्टॉपिंग बैक्टेरियल ग्रोथ। और कुछ एंटीबायोटिक ऐसे होते हैं जो कि बैक्टेरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं, इसलिए इन्हें बैक्टेरियोस्टेटिक बोलते हैं। थ्री मेजर ग्रुप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स आर डिस्क्राइब बिलो। एंटीबायोटिक के मेजर ग्रुप्स के बारे में हम पढ़ेंगे, इससे पहले हम साइट पे कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस हैं उनको स्टडी करेंगे। एंटीबायोटिक्स आर अमंग द मोस्ट फ्रिक्वेंटली प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन इन मॉडर्न मेडिसिन। मीन्स एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन हैं। सम एंटीबायोटिक्स कैन बी यूज टू ट्रीट अ वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शंस एंड आर नोन एज। बहुत सारी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए जो एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल होते हैं उन्हें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। अदर्स आर ओनली इफेक्टिव अगेंस्ट अ फ्यू टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड आर कॉल्ड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। और कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जो कि सिर्फ कुछ टाइप ऑफ बैक्टीरिया पे इफ़ेक्टिव होती हैं, इसलिए इन नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। तो ये दो फर्दर क्लासिफिकेशन है एंटीबायोटिक्स की, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। शॉर्ट वाइज ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा। एक्सपायर्ड ड्रग्स कैन कॉज डैमेज टू किडनीज। अगर आप ऐसे ड्रग्स कंज्यूम करते हैं जो एक्सपायर्ड हैं तो आपकी किडनीज को डैमेज कर सकते हैं। सिफेलोस्पोरिन, सिफेलोस्पोरिन एक एंटीबायोटिक है। इट इंटरफेयर विद सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। ये बैक्टीरियल सेल वॉल के सिंथेसिस को इंटरफेयर करता है, उसको रोकता है। एंड सो आर बैक्टेरियसाइडल। सिफेलोस्पोरिन आर यूज टू ट्रीट निमोनिया। इन्हें निमोनिया के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। सोर थ्रॉट, अगर गला ख़राब हो तो उसके दौरान इस्तेमाल किया जाता है। टॉन्सिल्स, ब्रोंकाइटिस, इस तरीके की डिजीज़ के अंदर इस एंटीबायोटिक को इस्तेमाल किया जाता है। टेट्रासाइक्लिन, दीज आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टेरियोस्टेटिक। अभी अभी हमने इस चीज़ के बारे में पढ़ा है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ऐसी एंटीबायोटिक होती है जो बहुत सारी इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है, बहुत सारे बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफ़ेक्टिव होती है। एंड इनहिबिट बैक्टेरियल प्रोटीन सिंथेसिस। टेट्रासाइक्लिन आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक, इंटेस्टाइन एक्सेट्रा। टेट्रासाइक्लिन आर नॉट यूज इन चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 8। तो अंडर द एज ऑफ 8 जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए टेट्रासाइक्लिन को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, 8 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए। एंड स्पेसिफिकली ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ टूथ डिवेलपमेंट, और ख़ास तौर पर उस पीरियड में जब बच्चे जो हैं उनके अंदर टूथ डेवलपमेंट हो रही होती है, उनके जो टीथ हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज़ योर टुडेज़ लेक्चर। आप इसको अच्छे से याद करेंगे, देन इसको राइट डाउन करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।